तेलंगाना में बसपा के नेता रहे आरएस परवीन ने आज के चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस का दामन थाम लिया। आज वो बसपा को छोड़कर भारत राष्ट्र समिति में शामिल हो गए। इससे पहले उन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा के सामने नमन किया और अपनी नई पारी की शुरुआत की। आरएस प्रवीण ने बसपा छोड़ दी, लेकिन पार्टी छोड़ने के बाद से ही बसपा के उत्तराधिकारी आकाश आनंद और तेलंगाना बीएसपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले पूर्व आईपीएस अफसर आरएस प्रवीण आमने सामने आ गए हैं। दोनों के बीच ट्विटर वॉर चल रहा है। हालांकि आरएस प्रवीण ने आकाश आनंद के ट्वीट का ऐसा जवाब दिया जिसकी खूब चर्चा हो रही है। आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं कि आखिर आरएस प्रवीण के पार्टी छोड़ने के पीछे क्या इनसाइड स्टोरी है। दरअसल आरएस प्रवीण ने ये कहते हुए बसपा से इस्तीफा दे दिया था कि उनके ऊपर बीआरएस के साथ हुए गठबंधन को तोड़ने का दबाव था, जिसके बाद आकाश आनंद ने एक लंबी ट्विटर पोस्ट के जरिए आरएस प्रवीण की मैच्योरिटी पर ही सवाल उठा दिए। पहले आप आकाश आनंद का ट्वीट पढ़िए और फिर हम इस पर आपको आरएस प्रवीण का जवाब सुनाएंगे। 17 मार्च को आकाश आनंद ने लिखा था, मीडिया में आए आरएस प्रवीण के बयान को सुनकर काफ़ी दुख हुआ। बीएसपी का कैडर और सभी पदाधिकारी भली भांति जानते हैं कि गठबंधन का फैसला हो या उम्मीदवार, सभी फैसले की सूचना बहन जी खुद मीडिया को देती हैं। लेकिन तेलंगाना के मामले में जिस तरह से प्रवीण जी ने अपरिपक्वता का परिचय दिया, वो पार्टी की नीतियों और कार्यशैली के खिलाफ है। संविधान बदलने की बात करने वाली पार्टी से बीएसपी का गठबंधन बाबा साहेब के मिशन के खिलाफ है। भाजपा के दबाव में गठबंधन तोड़ना तो दूर, बीएसपी के लोग ऐसे लोगों से बातचीत भी करना पसंद नहीं करते। प्रवीण जी और यूपी के एक युवा साथी भी दलित राजनीति के विरोधियों की साजिश का शिकार हो गए और संविधान विरोधियों के झांसे में आ गए। लेकिन बीएसपी के लोग बहुत समझदार हैं, वो इन संविधान विरोधी लोगों की साजिशों को अच्छे से समझते हैं और कभी भी इनके झांसे में आने वाले नहीं हैं। यानी आकाश आनंद ने बीआरएस के साथ हुए गठबंधन के बारे में आरएस प्रवीण पर गंभीर आरोप लगाया है कि उन्होंने बिना बहन जी की अनुमति के गठबंधन का ऐलान कर दिया और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि प्रवीण दलित राजनीति के विरोधियों की साजिश का शिकार हो गए और संविधान विरोधियों के झांसे में आ गए। अब इस पर आरएस प्रवीण ने जवाब दिया है। उन्होंने आकाश आनंद के ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा, प्रिय आकाश जी, मुझे अभी भी बहुत दुख हो रहा है, लेकिन पार्टी और आदरणीय बहन जी के सम्मान को ध्यान में रखते हुए जिन परिस्थितियों में मुझे बसपा से बाहर आना पड़ा, उन परिस्थितियों के बारे में मैं ज़रूरत से ज़्यादा अपने समाज को बताना नहीं चाहता, सिर्फ समय ही बताएगा, यही मेरा परिपक्वता है। आपको ऑल द बेस्ट, जय भीम। आरएस प्रवीण ने इशारों में बड़ी बात कह दी और इस विवाद में ज़्यादा बोलने से परहेज कर दिया। फिलहाल आरएस प्रवीण बीआरएस पार्टी में शामिल हो चुके हैं, लेकिन बसपा से इस्तीफा देते वक्त उन्होंने एक लंबी पोस्ट लिखकर अपनी बात सबके सामने रखी थी। उन्होंने अपने इस्तीफे में क्या लिखा था वो भी जान लीजिए। उन्होंने ट्विटर पर लिखा था, प्रिय साथी बहुजनों, मुझे ये संदेश टाइप करने में परेशानी हो रही है, लेकिन मुझे इसे टाइप करना होगा क्योंकि अब नया रास्ता अपनाने का समय आ गया है। कृपया मुझे इस पोस्ट के लिए क्षमा करें, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा। भारी मन से मैंने बहुजन समाज पार्टी छोड़ने का फैसला किया है। मैं नहीं चाहता कि मेरे नेतृत्व में तेलंगाना में हाल के फैसलों, चाहे वो कितने भी जानकार क्यों ना हो, के कारण इस महान पार्टी की छवि खराब हो। साथ ही मैं कुछ मूल सिद्धांतों और व्यक्तिगत चरित्र से भी समझौता नहीं करना चाहता। एक स्वैरो के रूप में मैं किसी को दोष नहीं दूंगा और मैं उन लोगों को भी धोखा नहीं देना चाहता जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया। गठबंधन समझौते के तहत चाहे कितने भी उतार चढ़ाव आए, हमें आगे बढ़ना है, कठिनाइयों और खुशियों को साझा करना चाहिए, यही सच्चा धर्म है जिस पर मैं विश्वास करता हूं। कल जैसे ही बीएसपी बीआरएस गठबंधन की खबर आई, बीजेपी इस ऐतिहासिक गठबंधन को तोड़ने के लिए हर संभव प्रयास कविता की गिरफ्तारी समेत कर रही है। बीजेपी की साजिशों से डरकर मैं उन मूल्यों को प्रोत्साहन नहीं दे सकता जिनमें मैं विश्वास करता हूं और मैं अपनी इस प्रबलता को रोक नहीं सकता। तेलंगाना में भविष्य की रणनीति का फैसला बहुजन समाज पार्टी को करना है। मैं परम आदरणीय बहन जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं, हर समय मुझ पर भरोसा करने और मार्गदर्शन करने के लिए आप मेरी हीरो बनी रहें बहन जी। मान्यवर कांशीराम साहब द्वारा स्थापित सामाजिक न्याय मिशन के मूल सिद्धांतों को मैं जीवन भर हमेशा अपने दिमाग में रखूंगा। मैं बहुजन राजनीति की दुनिया में इस छोटी सी यात्रा में मेरा साथ देने के लिए राज्यसभा सांसद रामजी गौतम को भी धन्यवाद देता हूं। मैं इस देश के सभी बहुजनों का भी मुझ पर भरोसा करने के लिए सदैव आभारी हूं। मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं पवित्र संवैधानिक मूल्यों, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को बनाए रखने में किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकूंगा और बहुजनों को आत्मनिर्भर, दूरदर्शी और प्रगतिशील समाज में बदलने के लिए अथक प्रयास करूंगा। ये मेरा जीवन भर का मिशन होगा।
लेकिन बसपा समर्थक आरएस परवीन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आकाश आनंद ने तो आरएस परवीन पर बीआरएस से एकतरफा गठबंधन का आरोप लगाया था, लेकिन अब बसपा समर्थक उन्हें लेकर तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। सोशल मीडिया पर बसपा समर्थक आरएस परवीन को बिकने वाला नेता करार दे रहे हैं, लेकिन आरएस परवीन ने खुलकर अंदर की बात न बताकर इस मामले में कयास लगाने के मौके दे दिए हैं। उन्होंने साफ तौर पर नहीं बताया कि आखिर क्यों उन्होंने बसपा से इस्तीफा दे दिया। उन्हें जनता को बताना चाहिए था कि ऐसा क्यों हुआ कि उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ी, और वो भी साफ साफ शब्दों में उन्हें बताना चाहिए। अगर बसपा अध्यक्ष मायावती ने उन्हें गठबंधन की इजाज़त नहीं दी थी तो फिर उन्होंने बीआरएस से गठबंधन का ऐलान क्यों किया, और अगर बैंजी ने उन पर गठबंधन तोड़ने का दबाव बनाया तो भी उन्हें इसकी वजह को सामने लाना चाहिए। आरएस परवीन ने बतौर आईपीएस अफसर अपनी क्रेडिबिलिटी को बनाया, और बतौर बसपा के नेता भी उन्होंने तेलंगाना विधानसभा चुनाव में खूब मेहनत की, जिसके कारण बहुजन समाज उन्हें उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा था कि एक ईमानदार और विजनरी नेता दक्षिण भारत में बसपा की कमान संभाले हुए है। लेकिन उनके जाने से न सिर्फ बहुजन समाज पार्टी बल्कि बहुजन मिशन को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, इसलिए उन्हें स्पष्ट शब्दों में अपनी बात कहनी चाहिए। बीआरएस के नेता बाबा साहेब के बनाए संविधान को बदलने की बात करते रहे हैं, ऐसे में आरएस परवीन जब खुद बीआरएस में चले गए हैं तो वो किस तरह से बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ा पाएंगे, ये भी अपने आप में अहम सवाल हो जाता है। आज मैं एडवांस में डिक्लेयर भी कर रही हूँ, आपको बता भी रही हूँ, घोषित भी कर रही हूँ, अर्थात जब हमें यह सरकार बनाने का मौका मिलता है तो फिर आपके स्टेट का मुख्यमंत्री या बीएसपी के स्टेट अध्यक्ष श्री आर एस परवीन कुमार को ही बनाया जाएगा, जो अपनी आईपीएस की बड़ी सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर वह बीआरएस लेकर अब पूरी मिशनरी भावना से यह अपनी पार्टी को मजबूत बनाने में लगे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि ये इस पद पर आसीन होकर फिर यूपी की तरह ही यहाँ अपने लोगों का हर स्तर पर प्राथमिकता के आधार पर पूरा पूरा ध्यान रखेंगे। आप ये तहिया कर लें कि हमें यहाँ के वर्तमान स्टेट गवर्नमेंट को हमें सत्ता से बाहर करना है, जो ये सपना देख रहे हैं कि हम बाबा साहब का संविधान बदल लेंगे, आप लोगों को इस लायक उनको नहीं छोड़ना कि वो संविधान बदलने के लायक हो, उनको सत्ता से बाहर करके आप लोगों को सत्ता पर काबिज होना होगा। सियासत अपनी जगह है, लेकिन बहुजन मिशन का कमजोर होना बहुजन समाज के लिए काफी घातक है, और वो भी ऐसे समय में जब अंधकार के बादल छाए हुए हैं और उम्मीद की रोशनी नजर नहीं आ रही। इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपसे अपील है कि वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद ज़रूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।